नमस्कार, आप सभी का सुनो भारत मंजी में स्वागत है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में पीपल फार्म संस्था द्वारा एक मीटअप का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। करते हैं उनका क्या आंसर दिया जाए या क्या ऑल्टरनेटिव दिया जाए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यू नो लाइफ में बहुत जरूरी है टू पिक योर बैटल्स। कि जो पूजा में घी यूज हो रहा है या जो पूजा में मिल्क यूज हो रहा है, इज दैट द बिगेस्ट कंजम्पशन? नॉट रियली। आई मीन दैट इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, क्या कहेंगे, दैट इज अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ आवर कंजम्पशन, लेकिन उसके साथ जो सेंटिमेंट जुड़ा है वो काफी बड़ा है। तो इस मधुमक्खी के छत्ते को ना हाथ लगाया जाए और उन चीजों को हैंडल किया जाए कि भाई जो नॉर्मल दूध या घी कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे, तो आप कह सकते हो ना कि भाई तुम्हें क्या कभी और मिल मेरे ट्रैवल्स के दौरान। और उनका नाम बोरेन था और वो 40 से 60 कुत्तों की मदद कर रही थी। ना वो सेहत से ठीक थी, ना उनके पास पैसा था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी, अकेली थी। जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि भाई रॉबिन सिंह धिक्कार है तुम पे, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अपनी खुशी ढूंढ रही हो और इनके पास कुछ नहीं है और ये बेजुबानों की मदद कर रही है। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा और तब हमने फिर जानवरों के लिए काम करना शुरू किया। हमारा तीन लोगों से हमारी शुरुआत हुई थी, हम तीन सह संस्थापक हैं, मैं हूँ, शिवानी है, ज्वेलन है, और आज हमारे 38 लोगों से ऊपर की टीम है। तो हमारा जो काम है चार भागों में विभाजित है। एक तो क्लिनिक एंड रेस्क्यू है, जो 8 किलोमीटर के दायरे में हमें जानवर मिलते हैं, हम उनको लाते हैं, उनको रिकवर करते हैं और अडॉप्ट कराते हैं या वापस रिलीज करते हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट्स डिवीजन है, प्रोडक्ट्स की डिवीजन जो है उससे ना सिर्फ हमें फंडिंग जनरेट होती है पर जो हमारा मैसेज है और लोगों तक पहुँचता है। फिर हमारा बहुत सारा जो एफर्ट है वो हमारा अवेयरनेस पे केंद्रित है कि भाई जो भी जानवर आ रहे हैं उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे, जिसके माध्यम से लोग ज़्यादा संवेदनशील हों। और अब जो चौथा हमने शुरू किया है वो है हमारा एक कम्युनिटी का एफर्ट है, जिसमें जो भारतवर्ष के जो भी लोग हैं जो जानवरों से जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वेजिटेरियन हो, वीगन हो, कोई गौ रक्षक है, कोई कुत्तों को खाना देता है, कोई वीगन है, वो सब लोग एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे से प्रेरित होकर और जानवरों की मदद करें, यही हमारा मुद्दा है। कुछ एक महीनों पहले ये आंकड़ा मैंने एक इंटरव्यू के लिए निकाला था, उस समय हम करीब 2200 जानवरों की मदद कर चुके थे। तो उस समय हमने क्या किया कि हमने कुछ स्टाफ को वॉलंटियर प्रोग्राम तो बंद ही कर दिया, तो कुछ स्टाफ को हमने फार्म पे ही ठहरा लिया क्योंकि सब लॉकडाउन में था तो फार्म पे आ जा नहीं सकते थे लोग, पर हमारे फार्म पे उस समय केसेस थे। कुछ टाइम तक हमने रेस्क्यूज जो है नए रेस्क्यूज लाना बंद कर दिया, पर फिर हमारे एक SDM साहब थे जगन्नाथ ठाकुर साहब, काफ़ी हेल्पफुल थे वो, तो उनकी मदद से हमने परमिशन ले ली अपनी गाड़ियों की। तो ना सिर्फ हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो गया सुचारू रूप से, बल्कि जो आसपास के गांव में जो आवारा कुत्ते थे जिनके पास खाना नहीं डर रहा था, तो 4-5 गांवों के हमने खाना देने की ड्यूटी लगा दी। और कोरोना के माध्यम से जो लोग घर बैठे थे उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंची। क्या लग रहा है कि आपके जो देखिए रोज़ हमारे को 5 से 10 ईमेल्स आती हैं कि भाई मैंने वेजिटेरियन हो गया, या मैंने दूध पीना छोड़ दिया, या मैंने ब्रीड डॉग की जगह डॉग अडॉप्ट कर लिया, या मैंने कपड़े पुराने खरीदने शुरू कर लिए। तो फ़र्क तो आ रहा है, पर ये जो फ़र्क है ना ये घास की तरह है, मतलब उसको आपको बढ़ती हुई नहीं दिखेगी पर आपको हर थोड़े टाइम में काटनी पड़ती है। देखिए मेरा जो संदेश है, मैं तीन चीज़ें कहता हूँ। एक, अगर आप कुछ बुरा करते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे अपने में ये पसंद नहीं, चाहे वो आप गुस्सा करते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं, जानवर खाते हैं, जितना हो सके कम करिए। दूसरा, जो भी एक सामाजिक इशू है जिसके प्रति आप संवेदनशील हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ यार ये गरीब बच्चे हैं या ये जो लड़कियाँ हैं या बूढ़े लोग हैं, जानवर इनके साथ ये नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उनकी मदद करिए। आप खुद शुरू नहीं कर सकते, जाके वॉलंटियर करिए, वॉलंटियर नहीं कर सकते डोनेट करिए। तीसरा, ये अपने किसी साथी को भी ये चीज़ें करने के लिए प्रेरित करिए। नमस्कार, सुनो भारत पत्रिका द्वारा चलाए जा रहे गांव संस्कृति बचाओ अभियान से जुड़ने के लिए आप हमसे 9899883694 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।